हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मैम मोनिका और आज आइए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो कि है टॉपिक संसाधन। एंड ये क्लास 10th की वर्कशीट है और ये संसाधन टॉपिक आपकी भूगोल की पाठ्यपुस्तक का पहला पार्ट है बेटा। आज की डेट हम देख लेते हैं 13 जुलाई 2021। आप ये सारी जो डिटेल्स ऊपर दी गई हैं अपने रजिस्टर या कॉपी के पेज पे ऊपर लिख लेंगे विद द नेम ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो आइए साथ में मिलके इस आसान सी वर्कशीट को आज हम करते हैं। मैं सारे आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप आसानी से फिर कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। अब अपने आप आसपास जो भी देख रहे हैं, अभी आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने रूम में, आप बाहर बैठे हैं बालकनी में, टेरेस पे, जहाँ भी बैठे हो, आपके आसपास आप कुछ भी दिख रहा हो ना, उसकी सूची बनाइए। जैसे मुझे मेरे आसपास दिख रही है एक चेयर, मुझे मतलब एक कुर्सी दिख रही है, मुझे एक टेबल दिख रहा है, ठीक है, मुझे एक बॉक्स पड़ा हुआ दिख रहा है, मुझे एक पानी की बॉटल पड़ी दिख रही है, ठीक है। तो मुझे जो भी दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। आपको जो दिख रहा है आपके आसपास, आप वो चीज़ें यहाँ पे लिख दो, 4, 5, 10, आपकी मर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो आपने क्या करना है, अब जो आपने ऊपर सूची बनाई है, आपके आसपास आपको जो दिखा है उसके आधार पर निम्न तालिका को आपने भरना है। क्या करना है, वस्तुएं जो आपके काम की हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुर्सी दिख रही है मुझे, ठीक है, और मुझे दिख रही है, मुझे टेबल दिख रहा है अगर जैसे, ठीक है, मुझे मेज़ दिखा, तो ये सारी चीज़ें मेरे काम की हैं मुझे लगता है, हाँ है। पानी की बोतल दिख रही है वो भी काम की है, राइट। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं। तो कुर्सी किसी और के काम भी आ सकती है, मेज़ भी किसी और के काम आ सकता है कि नहीं। तो आप भी अपने आसपास की जो भी चीज़ आपने लिखी है ऊपर तालिका में, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप वो लिखेंगे कि आपको जो लगता है कि वो वस्तुएँ किसी अन्य के भी, किसी और व्यक्ति के भी काम आ सकती हैं। तो हो सकता है वो सबके लिए काम आ सकती हो, चीज़ कुछ भी हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है, एक पुस्तक हो सकती है, राइट। तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई खाने की चीज़ पड़ी है वो भी हो सकता है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष मतलब इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। उपयोगी क्या होता है, जो हमारे काम आए, कुछ हमारे काम आए, एवं इनका मूल्य भी है। मूल्य मतलब कि क्या है, इनकी वैल्यू है कोई, ठीक है, इनका महत्व है। क्या महत्व है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कुर्सी है, उसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है कि कोई उसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ एक पेन है, तो उसका क्या महत्व है, वो लिखने के काम आ सकता है, ठीक है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है उसको हम संसाधन कहते हैं, ठीक है, जो हम उपयोग में ला सकते हैं अपने, उसको हम संसाधन कहते हैं। हो गया याद, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी है मैंने आपको, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है संसाधन की। ऐसी कोई भी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी होती है और इनका मूल्य होता है, वो संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, कलम, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि। तो कोई भी चीज़ खाने की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, टेबल है उस पर हम रखते हैं, सामान रखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं संसाधन है। उल्लेखनीय है कि ये मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं है, बल्कि उसके महत्व से भी है, ठीक है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती है, लेकिन उसका महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। अब हवा में आपको पता है क्या है, हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, है ना, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सांस कैसे लेंगे। तो हवा हमारे लिए कितनी कीमती है, लेकिन हम ऑक्सीजन के लिए कोई पैसे दे रहे हैं क्या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अभी हम जी रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, क्या हम हर समय क्या हवा में जो ऑक्सीजन, उसके लिए पैसे देते रहते हैं क्या, नहीं ना। तो इसकी कोई कीमत नहीं तय कर सकते, ये हमारे लिए बहुमूल्य है, ठीक है, लेकिन उनका महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमत नहीं लग रही हर बारी, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिसकी ज़रूरी नहीं है कि कीमत लगे, ठीक है, वो भी हमारे लिए महत्व की हो सकती हैं, जैसे कि हवा है। आगे और भी उदाहरण आएंगे, हम जब नीचे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं क्या, उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है,
आपको पता है नई नई प्रौद्योगिकी आती रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब जो पहले फ़ोन होते थे हमारे पास, लैंडलाइन होती थी, है ना, तार वाले होते थे, अब कैसे मोबाइल फ़ोन्स आ गए, हमारे सबका जीवन बदल गया और रोज़ नए नए तरीके के मोबाइल फ़ोन आते हैं, उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। पहले कैसे कैमराज होते थे उसमें, अब कैसे होते हैं, आप सब देख रहे हो ये, है ना। तो समय के साथ और प्रौद्योगिकी के साथ उसमें कितने बदलाव आ गए हैं, है ना। तो वो भी समय और प्रौद्योगिकी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है, ठीक है। जैसे मोबाइल के आने बाद टेलीफोन का इस्तेमाल कम हो गया है, ये उदाहरण ही पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो प्रौद्योगिकी होती क्या है एक्चुअली में। किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। नवीनतम का मतलब आपको नव से याद रखना है बेटा, न्यू, नया, ठीक है। तो नया ज्ञान, नए किस्म का ज्ञान, न्यू नॉलेज, न्यू कौशल, कौशल मतलब होता है स्किल, किसी चीज़ को करने की जो किसी में जो स्किल होती है वो, कि जैसे कि हमने अपने नए ज्ञान से अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको कैसे बदलते ही जा रहे हैं, है ना, नई टेक्नोलॉजी से, और उसके बारे में टेक्नोलॉजी के अध्ययन कर करके उसके ज्ञान से हम बदलाव ला पा रहे हैं, है ना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्किल, कौशल चाहिए हमें किसी चीज़ को, उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए। तो इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। आगे देखो मानव संसाधन के बारे में क्या कह रहे हैं। मानव संसाधन क्या है, अभी हमने बोला कि संसाधन हर कोई चीज़ जो हमारे उपयोग में संसाधन है, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर मानव इंसान ही नहीं होगा तो ये सारे संसाधन हमारे किस काम के, मतलब इन सब संसाधनों को काम में लाने वाला और बेहतर उपयोग में लाने वाला ही मानव है खुद, और इसलिए मानव खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। आपको अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि मानव खुद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इस कथन को स्पष्ट करें, तो आपको इसमें यही बताना होगा हर संसाधन को उपयोग में लाने के लिए ही मानव ज़रूरी है, मानव खुद एक बहुत बड़ा संसाधन है। अभी जो सारी हमने प्रौद्योगिकी की बात करी है, ये नवीनतम ज्ञान और कौशल की बात करी है, कौन लाएगा, मानव ही लाएगा ना। मानव संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण, उनको बनाने और उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है, ठीक है। तो ये ज्ञान और कौशल जो है ये सब कौन उपलब्ध कराता है, मानव खुद। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। हमारे पास अगर ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, उसकी शिक्षा नहीं होगी, ठीक है, और लोग अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो ये सब कार्य वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मानव संसाधन को बहुमूल्य बनाने में सबसे जो आवश्यक चीज़ें हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। हो गई आपकी वर्कशीट, अब इसमें हमने देखना है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दो ही मुख्य प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन, आपको जो हमेशा पूछती हूँ एक वीडियो में, मैं वो पूछूंगी आपसे, आप उसका पता लगाइएगा और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बेटा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना। अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं साथ में, ओके। तो पहला प्रश्न है, तीन ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो इसके मैंने आपको चार उदाहरण दे दिए हैं ऐसे। पहला शुद्ध पर्यावरण, दूसरा सुहावना मौसम, तीसरा दादी माँ के घरेलू नुस्खे, और चौथा मनोरम दृश्य। मनोरम दृश्य जो मन को लुभावना लगता है, जो सुंदर लगता है, आप कहीं बाहर घूमने जाएं और आपको सुंदर दृश्य देखने को मिले, सीनरी नहीं बोलते, जैसे आप कभी कभी ड्राइंग भी करते हैं सीनरीज़ की, तो उसके देखने का कोई मूल्य नहीं है, है ना, कोई मूल्य नहीं लगता। दादी माँ के घरेलू नुस्खे का कोई मूल्य नहीं है, है ना, एक सुंदर सुहावने मौसम का, एक शुद्ध पर्यावरण का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन इनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। आगे देखें प्रश्न दो, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है, कम से कम दो उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमने ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से उनको और उपयोगी बना दिया है और नए नए संसाधनों का निर्माण किया है। कुछ उदाहरण मैंने चार उदाहरण लिखे हैं आपके लिए, थोड़े से इतिहास से भी लेकर लिखे हैं और अभी भी जो हम कर रहे हैं वो लिखा है। पहला, बहते जल से मानव ने जल विद्युत का निर्माण किया है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की है।
पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। प्राकृतिक खनिजों से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण जैसे मशीन, गहने आदि, आप ये देख सकते हैं सारे पॉइंट्स। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इतने इजी हैं, इनको याद करना भी बहुत आसान है। तो अपने ज्ञान और कौशल से इन सब चीज़ों को मानव ने उपयोगी बनाया है और ऐसे संसाधनों का निर्माण करा है जो हमारे उपयोग में आज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी इसी वर्कशीट से रिलेटेड, और उसका उत्तर आप नीचे वीडियो के नीचे देंगे अपने नाम के साथ। ठीक है, तो प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप नीचे वीडियो के दीजिएगा अपने नाम के साथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका वर्कशीट में भी उत्तर है, मैंने भी समझाया था, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। सी यू, बाय बाय।